नमस्कार दोस्तों, मैं रम्या, आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले द ब्रांड न्यू TVS स्पोर्ट्स 2021 मॉडल के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज जानेंगे कुछ इसकी विशेषता है, क्या 2021 में क्या क्या चेंज किया गया है, सारी बातें जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए चलते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स TVS स्पोर्ट्स के प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, आपकी सिटी नेम, स्टेट नेम और पिन कोड आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। मैं वहीं पर ही रिप्लाई कर आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस आपको दे दूंगा। साथ ही में अगर आपको कोई डाउट्स हो या फिर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दूंगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स TVS स्पोर्ट्स के इंजन के बारे में। तो आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ड्यूरालाइफ इंजन दिया जा रहा है, जो कि आता है ETFI फंक्शन के साथ में, यानी कि इसमें आपको कार्बोरेटर देखने को नहीं मिलेगा। इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। साथ ही में ये इंजन आता है 109.7 cc के इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ में, यानी कि 110 cc का इंजन है। पहले इसमें 100 cc का आता था, अब आपको 110 cc का इंजन इसके अंदर दे दिया गया है। और साथ में आपको ये इंजन मैक्सिमम पावर जनरेट करके देता है 8.18 bhp की एट द रेट ऑफ 7350 के rpm में, और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 8.7 Nm का एट द रेट ऑफ 4500 के rpm में। इमिशन स्टैंडर्ड BS6 नॉर्म्स में आता है ये। ECU इग्निशन सिस्टम आपको इसके अंदर दिया जा रहा है, यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट आपको मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी कहा जाता है इसको। साथ ही में इंजन में जो सेंसर्स लगे हुए हैं, इंजन में कोई दिक्कत आ जाए तो वही बता देते हैं, तो ये फ़ायदा आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स TVS स्पोर्ट्स के टायर्स एंड सस्पेंशन के बारे में। तो आपको फ्रंट टायर जो है वो 17 इंच का दिया जा रहा है। साथ ही में 130 mm के ड्रम ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आपको दी जा रही है, यानी कि SBT टेक्नोलॉजी मिल जाती है। साथ ही में आपको टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्पेड सस्पेंशन फ्रंट के अंदर दिए जा रहे हैं। ब्लैक कलर में आपको एलोय व्हील मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। साथ ही में सिटी फ्रेंडली हैंडलिंग है इसकी, तो आपको जो आगे का सस्पेंशन है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता रखता है। साथ ही में अगर बात करें इसके रियर के बारे में, तो रियर टायर जो है वो आपको 17 इंच का ही दिया जा रहा है, लेकिन 110 mm के आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। 5-step एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स दिए जा रहे हैं। पिलियन के हिसाब से बहुत ही कम्फर्टेबल है ये गाड़ी। साथ में अगर बात करें इसके अंदर, एक सबसे बड़ा जो नुकसान मुझे लगा, SBT टेक्नोलॉजी है, पीछे का ब्रेक अगर आप मारते हैं तो आगे का ब्रेक साथ में लगेगा, बट पीछे के ब्रेक की साइज़ भी छोटी है और इसके वेरिएंट में डिस्क वेरिएंट नहीं है ऑप्शन में भी। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स TVS स्पोर्ट्स के डायमेंशन एंड चेजिस के बारे में। तो आपको टेब्यूलर सिंगल क्रेडल फ्रेम चेजिस दी जा रही है। साथ ही में आपको 1950 mm की लेंथ देखने को मिलेगी। 705 mm की आपको विड्थ दी जा रही है और 1080 mm की आपको हाइट दी जा रही है। गाड़ी का ओवरऑल व्हील बेस की बात करें तो 1236 mm का दिया जा रहा है और 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। साथ ही में सीट हाइट की अगर बात करी जाए तो आपको 790 mm की सीट हाइट दी जा रही है और 112 kg का कर्ब वेट दिया जा रहा है। सीट हाइट थोड़ी सी बढ़ाई है, 112 kg का कर्ब वेट है, यानी कि हल्का है गाड़ी। साथ में आपको सिटी राइड के अंदर बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, लॉन्ग राइड्स पर भी आप ले जा सकते हैं। 100 से 200 km तक अगर आप इसको आराम से चलाएं तो कोई दिक्कत आपको नहीं मिलने वाली है। साथ में 5-step एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स रियर में दिए जा रहे हैं, जिससे पिलियन को जो कंफर्ट है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स TVS स्पोर्ट्स के डायमेंशन वाइज इसकी हाइट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, मिनिमम जो इसकी हाइट है, अगर आप एक शॉर्टर राइडर हैं, 5 feet से डाउन आपकी अगर हाइट है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी 5'11" की हाइट है, तो मैं बिल्कुल ही डाउन हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप एक शॉर्टर राइडर हैं, 5 feet या 5 feet से नीचे है आपकी हाइट, या मिनिमम 5'5" के अंदर आती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। 5'5" से अगर आप एबव जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ये अनकम्फर्टेबल हो सकती है लॉन्ग राइड्स के लिए, बाकी ये आपके लिए बहुत ही कम्फर्टेबल बाइक है। साथ में अगर बात करें इसके अंदर माइलेज की, तो इसके अंदर एक सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टिव देखा जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको इको और पावर का एक सिस्टम दिया गया है कि अगर आप इकोनॉमिकल स्पीड में चलाते हैं तो इकोनॉमिकल लाइट ब्लिंक करेगी और पावर मोड पे चलाते हैं तो पावर मोड की। अब इसमें ये है, मिनिमम अगर आप 40 की रफ्तार पर इसको चलाते हैं तो इसके अंदर आपको इकोनॉमी मोड देखने को मिलेगा, और अगर आप ज़ोर से एक्सीलरेट करते हैं तो इसका पावर मोड चालू हो जाता है, जिसमें आपको माइलेज की जो कारण है वो माइलेज जो है वो कम देखने को मिलेगा। साथ में अगर बात करें
इसके अंदर मिनिमम माइलेज की, तो माइलेज डिपेंड करता है आपके रोड्स पर और साथ ही में ड्राइवर पर। पर फिर भी मैं अगर आपको कह दूँ इसके अंदर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाते हैं, 30 से 40 की रफ्तार में सिटी के अंदर, तो ये आराम से आपको 70 से 75 तक का माइलेज दे देगी, 70 to 75 किलोमीटर पर लीटर का। साथ में अगर बात करें लेडीज़ की, अगर पीछे आप बिठा रहे हैं पिलियन में, तो मैं आपको ये कहूँगा कि दो लोग आराम से जा सकते हैं, इतनी अच्छी खासी आपको सीट इसमें दी जा रही है। सीट थोड़ी सी छोटी आपको देखने को मिलेगी, पर फिर भी कंफर्टेबल है अगर आप मिनिमम डेली टू डेली 100 से 200 किलोमीटर तक का राइड करते हैं तो माइलेज आपको अच्छा मिल जाता है। एक सबसे बड़ा कारण निकल के आता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे TVS की सर्विस बहुत अच्छी है, बट हाँ कई जगह ऐसी है TVS की जहाँ पर टाउन से छोटे या फिर कुछ भी है, तो मिनिमम वहाँ पर TVS की जो सर्विस है वो सही से मिल नहीं पाती है, मतलब जो मैकेनिक्स हैं उनकी दिक्कत आती है। बाकी TVS तो अपना काम अच्छे से कर रहा है और अच्छे कई सारे डीलर हैं जो अपना काम कर रहे हैं जैसे हमारे यहाँ के हैं, बट कई सारे ऐसे डीलर्स भी हैं जो मैकेनिक्स पर ध्यान नहीं देते हैं और कई सारे दिक्कतें आती हैं, कमेंट्स कई सारे आते हैं। तो एक बार आप प्लीज़ ये ध्यान रख लीजिएगा, किसी कस्टमर से पूछिएगा जो आपके पहचान में हो उनसे कि TVS की सर्विस कैसी है आफ्टर सेल अपने यहाँ पर, तो अगर सर्विस अच्छी है तो फिर आप गाड़ी ले लीजिए, अगर नहीं है तो फिर क्या होता है कि जब आप सर्विस कराने ले जाते हैं तो कई बार माइलेज को लेकर इश्यूज आ जाते हैं, कई बार इंजन की क्रैंकशाफ्ट की दिक्कत आती है, तो ऐसी सी दिक्कत आती रहती है TVS में, क्योंकि सर्विस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं, TVS ने अपना बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है, कई डीलर्स हैं जो अच्छे हैं, बट कई सारे ऐसे दिक्कतें आती हैं जैसे गांव हो गया या कहीं पर हो गया, तो वहां पर जो है उसका आपको यही सिस्टम है कि आप वहां पर जाएं, देखें क्या है क्या नहीं है, इसके बाद ही गाड़ी TVS की लें। बाकी बहुत अच्छी बाइक है। साथ में अगर बात करें एक सबसे बढ़िया चीज़ की, अगर आपको सिटी के अंदर आपको गाड़ी चलानी है, अगर आपको ऑफिस जाना है जो गाड़ी लेकर, तो आपके लिए बहुत अच्छा गाड़ी है ये। साथ में एक फ़ायदा और मिल जाता है इसके अंदर कि आपको सेल्फ स्टार्ट्स वगैरह सभी स्विचेस दिए गए, पासिंग स्विच भी आपको मिल जाता है, यानी कि फ़ीचर्स को लेकर भी ये अच्छी खासी है, मतलब आपको जो फीचर चाहिए जो कि यूज़फुल फीचर हैं वो सारे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स TVS स्पोर्ट्स के डिज़ाइन एंड लुक के बारे में। जो आप सामने कलर देख रहे हैं ये इसका ब्लैक एंड ग्रीन कलर है जो कि ग्लोसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। साथ ही में अगर बात करें इसके हेडलैम्प्स के बारे में, तो आपको हेलोजन हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती हैं, इंडिकेटर्स आपको एडजस्टेबल नहीं दिए जा रहे हैं, बिल्कुल फिक्स्ड इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे। ब्लैक कलर में अलॉय व्हील आपको दिया जा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, कई सारे कस्टमर्स की डिमांड रहती है। इसका जो लेग गार्ड है वो भी आपको ब्लैक कलर में ही दिया जा रहा है। फुल बॉडी ग्राफिक्स आपको साइड में देखने को मिल जाएगी। फ्यूल टैंक पर आपको क्रोम में TVS की बेजिंग दी जा रही है। साथ ही में आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी बेसिक दिया जा रहा है, जिसमें स्पीडोमीटर और फ्यूल मीटर दोनों ही आपको एनालॉग देखने को मिलेंगे। साथ में आपको पावर और इको मोड की लाइट मिल जाती है। पावर मोड की मिलती है सबसे पहली चीज़, तो इको मोड तो आपको खुद को ही देखने को मिल जाएगा क्योंकि अगर आप इकोनॉमिकल स्पीड में चलाते हैं तो। साथ में स्पोर्ट्स का आपको रियर में बेजिंग मिल जाता है, मेंस फुटरेस वुमेन फुटरेस दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट की ब्रांडिंग भी आपको रियर में दी जा रही है, टेल लाइट्स आपको नॉर्मल लुकिंग टेल लाइट्स ही इसके अंदर दी जा रही है, हीट गार्ड आपको स्टील हीट गार्ड इसमें मिलता है, ETFI की बेजिंग भी आपको साइड के अंदर दी जा रही है, इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की। साथ में अगर ओवरऑल बात करें गाड़ी के डिज़ाइन एंड लुक के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैं कहूँगा, और साथ में इसके अंदर आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी जा रही है मिनिमम जो आपको मिलती है वो है 10 लीटर्स की, और रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी आपको 2 लीटर्स दी गई है। मैं कहूँगा आपका फ्यूल टैंक खाली नहीं रहना चाहिए। तो भट्ट्स कार फैमिली कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें कमेंट्स में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका प्यार मुझे दें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।